एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली शर्मा। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अंजना बीच। तो गाइस, मेरे को इंट्रो लेने का पहले याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा अब जाते जाते आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, हम बस अभी निकले हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है। एक्चुअली हमें कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेनी पड़ी, इसलिए हम लेट हो गए। बट आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं, और जैसे ही हम पहुँचेंगे मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। आज है वो अभी यहाँ से 24 मिनट दूर आ रहा है, तो हम जा रहे हैं। तो अभी हमें आधा घंटा मान के चल सकते हैं, उससे थोड़ा सा कम मतलब, तो पहुँच जाएंगे। तो हमें बहुत सारी धूप लगी हुई है, दो दिन हो गए हमें, मतलब 30 घंटे हैं हमारा आज, तो आज लगी है, सुबह से ही धूप लग गई है, थोड़ा शुरू हो गया है। और दो दिन गाइस कोई धूप नहीं थी, मतलब 3-4 बजे के आसपास धूप आ रही थी। पर आप देख सकते हैं आज तो सुबह से ही अब इतनी गर्मी है। ओके, हम आपको मिलते हैं बाद में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस वाले हैं। तो गाइस, अंजुना बीच को जाता है रास्ता। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप हेलमेट वेयर करें, वरना ये आपका चलान काट लेते हैं यहाँ पे। तो अंजुना बीच में है, अभी तक तो हम यहीं पे मिला है, तो प्लीज़ आप अपना हेलमेट वेयर करें, नहीं तो 1,000 का चलान काट रहे हैं यहाँ पे। और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस है वो भी डिसक्वालीफाइड, क्या कर देते हैं, है ना, डिसक्वालीफाइड ना। और 3 का, हाँ, तो ये आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई भी कर देते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मना किया कि प्लीज़ लाइसेंस तो मत करो। तो गाइस, आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जैसा हमारे साथ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। जब भी आप इस तरफ आए, यहाँ पे खड़े हुए हैं ये पुलिस वाले, तो आपको ध्यान रखना है, हेलमेट ज़रूर पहना है, और हेलमेट ऐसे भी पहनना चाहिए, ये तो हमें जल्दी में ध्यान नहीं रहा, बट प्लीज़ वेयर योर हेलमेट। ओके, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। पहुँचने वाले हैं अंजुना बीच। तो गाइस, रास्ता काफ़ी अच्छा है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ, देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कोकोनट ट्री हैं यहाँ पे। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। गाइस, हम लगभग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से मार्केट भी शुरू हो गई है, मैं आपको बताती हूँ। गाइस, हम पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अब। सब साइड से गए, हम साइड से जाएंगे। हाँ, तभी बोला ज्यादा आगे मत जाना। वही वो बाबू घर की चप्पल पहन के आया, वही उन्हें नोटिस किया। बाबूजी, मैंने आपको बोला सैंडल पहन लो, बोले मेरा तो बोले क्या, जरा आप बोलेंगे कुछ इस पे, कुछ टिप नहीं देना चाहेंगे। देखिए गाइस, मैंने इतना बोला था इनको सैंडल पहन लो, देखो क्या चप्पल पहन ही आया घर की। बोल चप्पल, मेरी तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम हो गया। यार तभी बोला था शायद रेस्टोरेंट से निकल के जो। बाबूजी तभी बोला था शायद, कहाँ से जा रहा हो, पक्का है? अच्छा, हाँ क्या है उधर? गाइस, आप देख सकते हैं अब कितना सारा पानी है।
गली इधर से इधर आगे से ही हाँ थोड़ी तो नहीं 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 है थोड़ी बहुत तो होगी अबे तो गाइस ये घर की चप्पल पहन के आया ना चली गई थी अभी पानी में तो आप भी मेरी तरह स्टैंडर्ड पहन के आए जिनको अच्छी से ग्रीस हो वरना ऐसा हो सकता है आपके साथ भी गाइस हम वो सारा क्रॉस करके आ चुके हैं यहाँ तो हम सोचते हैं हम थोड़ा सा फोटोशूट करवा ही ले क्योंकि चार्जेस ठीक ही लग रहे हैं तो हम मिलते हैं अब आपको बाद में खाना खा लिया है बट मैं आपको बता देती हूँ हमने कहाँ पे खाया है आप देख सकते हो इसका नाम है 55 रेस्टोरेंट तो गाइस यहाँ का खाना अच्छा था आप जब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे जरूर ये करें उसका खाना अच्छा था अगर आपको अच्छा खाना खाना है अगर आप चाहते हैं आपके पैसे भी वेस्ट नहीं हो और नई जगह तो यहाँ पे बहुत अच्छा है अब हम जाएंगे वहाँ पे आपको भी वहाँ नहीं वहाँ तो गाइस हम वहाँ पे जाएंगे गाइज आपको ये जो मार्केट देख रही है बस यही लेन है गाइज जहाँ से एंट्रेंस मतलब एंट्री होती है शुरू हो जाती है और बस यही मार्केट है वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा था काफ़ी बड़ी मार्केट दिखाई पड़ती है बट इतनी भी बड़ी नहीं है बट ऐसे लाइन में आपको शॉप्स दिखाई देंगी और थोड़ी सी ऐसे जैसे जितनी आगे दिख रही है उतनी थोड़ी सी पीछे भी दिखाई देंगी आपको तो इसीलिए हम अभी इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं अब हम जाएंगे कहीं और जगह अब मैं जहाँ वहाँ पर पहुँच जाऊँगी फिर मैं आपको वहाँ पर मिलती हूँ तो गाइस अंजुना बीच से जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम एक और जगह जा रहे हैं वहाँ से रास्ता 43 मिनट्स का आता है तो हमने कर लिया है काफ़ी क्रॉस अब भी थोड़ा सा टाइम रह गया है हाफ एन आवर आप बोल सकते हैं काफ़ी दूर है यहाँ से तो हम स्कूटी पे ही जा रहे हैं अपनी तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तब मैं आपको वहाँ मिलती हूँ आप देख सकते हैं रास्ता
आपको जगह बताई थी जहाँ हम जाने वाले थे, तो गाइस आपने इस जगह का नाम तो सुना ही होगा, फॉन्टेनियस। तो आप देख सकते हैं आसपास घर, तो ये इसके लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर के घर हैं। बट देख के तो अभी रिएक्शन अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये रियलिटी में वैसे नहीं लगते हैं जैसे आप वीडियोज़ में देखते होंगे या फोटोज़ में देखते होंगे। अब आपको यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो हम देखते हैं, बोल रहे हैं शायद ऊपर कुछ है, बट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी है। सबका रिएक्शन सेम है गाइस, कोई भी यहाँ पे एक सेकंड दो सेकंड रुक के भी चला जा चुका और कोई अभी फोटो क्लिक कर रहे हैं, बट रिएक्शन सबका सेम है। कोई हम देखते हैं अब एक बार ऊपर जाके कुछ है या नहीं। मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है फॉन्टेनेंस को, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रांच भी है, इधर भी लिखा हुआ है फॉन्टेनेंस। और किसी को भी ये पसंद नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है उन्होंने पक्का वो सब वीडियो देखी है, इधर को देख दो पहले वीडियो पक्का वो सब वीडियो देखे ही होंगे यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की फोटोज़ देख के, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप आओ मेरे साथ देखो यहाँ पे आपको कलर किया हुआ है और कुछ नहीं है, बट वो कलर भी निकल चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप देख सकते हो कितना खराब है। तो गाइस हमारे सामने जितनी है सबका रिएक्शन डाउन में रहा, तो क्या आप यहाँ पे विजिट करना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताना। अच्छा ठीक है, हमारा तो यहाँ पे बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है, इससे हम कहीं और चले जाते, कोई और बीच एक्सप्लोर कर लेते, बट अब हो गया है ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं आपको मिलूँगी अब अगले व्लॉग में। Land, bye. और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।